हेलो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो कि वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, और साथ ही साथ में इस बेल बटन को भी दबा देना, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर करना है प्लीज़। और चलिए दोस्तों, वीडियो है शुरू करते हैं। हेलो गाइस, तो स्वागत है पाटीदार जोन में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप पेटीएम से 3 बत्ते में चिप्स बाय कर सकते हो, या पेटीएम से आप गुल्लक ब्रेक कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और बने ही रहिए हमारे साथ। और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे के ऑप्शन को दबाइए, और कमेंट करके बताना वीडियो पूरा देखने के बाद कैसा लगा। दोस्तों, इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। यदि आप लोग गुल्लक से 1 करोड़ चिप्स निकालना चाहते हो और सीखना चाहते हो कि किस तरीके से पेटीएम से 3 पत्ते के चिप्स बाय होते हैं, तो स्किप कर दोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। पूरा देख लो थोड़ा टाइम निकाल के, या तो फ्री रहो तब देखना। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है, पेटीएम से हमें चिप्स बाय करना है, ठीक है। तो पेटीएम ओपन कर लेते हम अभी दोस्तों। अब पेटीएम ओपन कर लिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पर ये देखो, ये वाला गूगल प्ले लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यदि आप लोगों के इसमें गूगल प्ले यहाँ पर नहीं आए ना पूरे इसमें स्क्रीन पर, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखता है मोर पर क्लिक किया दोस्तों, यहाँ पर आपको एक सर्च का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है जी गूगल प्ले, तो ये गूगल प्ले आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर अमाउंट कितना डलता है देखो, मैं बता, 10 रुपए डालेंगे नहीं होगा, 110 रुपए से लगाकर 5000 तक हम ऐड कर सकते। मैं आपको 110 रुपए ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है, कि कैसे क्या करना है पेटीएम 3 पत्ती में दोस्तों, ये जो पैसे ना चले जाएंगे। यहाँ पर आपको 110 रुपए डालना है और प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद नीचे यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में यदि आप चाहो तो पेटीएम वॉलेट से भी कर सकते हो, नीचे और भी ऑप्शन है, ठीक है। पेटीएम वॉलेट से कर रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। पेटीएम वॉलेट से तो ये हमारा हो चुका है, हमने 110 रुपए जो थे वो यहाँ पर हो रहे हैं अभी, ये दोस्तों देखो हो गए, ठीक है। 110 रुपए गूगल प्ले पर हमने डाल दिया। अब दोस्तों, अभी आपको समझ में तो आएगा नहीं, अभी देखो दोस्तों, 110 रुपए यहाँ पर ये हो चुके हैं। अभी यहाँ पर नीचे देखो, यहाँ सक्सेस आ गया है, अभी नीचे योर ऑर्डर इज सक्सेसफुल, ठीक है। अभी यहाँ पर ये लिखा हुआ है योर गूगल प्ले रिचार्ज कोड, यानी कि हमें गूगल प्ले पर रिचार्ज करना है, और कोड दिया है RS110, ये कोड है दोस्तों, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, HYJ1R9, ये छोटे छोटे अक्षरों में। यहाँ पर दोस्तों बहुत बार ऐसा भी कोड बनता है, बीच में डैश आती है, डैश 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 डैश, ऐसा भी कोड बनता है, तो डैश 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 भी आपको पूरा डालना है। जब मैंने स्टार्टिंग में बनाया था तो यहाँ पर हर एक अक्षर के बाद में डैश डैश था, तो वो कोड डालना है। अब वो कोड कहाँ डालना है और कैसे डालना है, ठीक है, ये मैं बताता हूँ आपको। तो बैक आ जाना है, पूरा बैक आ जाना है, ठीक है। अब बैक आ जाने के बाद में आपको आपका प्ले स्टोर ओपन करना है, ठीक है। प्ले स्टोर पे आपको यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करना है, ओके। और पेमेंट मेथड आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट मेथड का, इस पर क्लिक कर देना है। अब इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर देखो मेरे पास पहले से 161 रुपए है मेरे गूगल प्ले पर। अभी जो हमने पेटीएम में कोड हमने बना लिया है, ठीक है, अब उसको कहाँ पर डालना है, ये देखो यहाँ पर रिडम कोड लिखा है, देखो ये वाला, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में जो कोड बना है ना उसे डालना है, देखो डालते कैसे है तो देखते दोस्तों, ठीक है। ये रहा वो कोड, है ना, देखो दोस्तों, ये यहाँ पर ये वाला, ठीक है दोस्तों, ये कोड है यहाँ पर, ये कोड 110 के बाद में इज लिखा है, इज के बाद में ये जो पूरा है ना, ये कोड है, इसे डालना है हमें, ठीक है। जैसा दोस्तों बड़े अक्षरों तो बड़े में डालना है, कैपिटल हो तो कैपिटल,
देखते दोस्तों, एच वाई जे, ठीक है, एच वाई जे, एच वाई जे वन आर नाइन, ठीक है, वन आर नाइन, वन आर नाइन एच टी फोर, एच टी फोर एक्स जी टी ई, एक्स जी टी ई, ठीक है, एक्स जी टी ई 5WE, ठीक है, 5WE, ओके। अब हमें यहाँ पर रिडम पर क्लिक कर देना है कोड डालने के बाद में, तो यहाँ पर ही हमें डालना है, कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। अभी 161 है दोस्तों, देखते हैं अभी 271, 110, 271 हो जाएंगे, ठीक है, 110 रुपये ऐड और कर रहा हूँ मैं तो। ये देखो दोस्तों, 271 रुपये यहाँ गूगल प्ले पर हो चुके हैं हमारे इसमें। अभी दोस्तों अब आपको क्या करना है, इतना सिंपल सा तरीका कर लेने के बाद में आपको आपकी तीन पत्ती के अंदर वापस आना है, ओके। और आपको तीन पत्ती में यदि आप यहाँ से चिप्स बाई करना चाहो, मैंने करके दिखा दिया था, मैं ये बाई नहीं करूँगा, ठीक है, वो महंगा पड़ता है। अभी गुल्लक, गुल्लक को बाई करना है, ठीक है, गुल्लक पर क्लिक किया। अब जैसे ही ब्रेक गुल्लक पर क्लिक करोगे ना दोस्तों, ये देखो 271 रुपये आ चुके हैं यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर वन टैप बाय, ओके, तो मैं पासवर्ड जो है डाल लेता हूँ, ठीक है, पासवर्ड डाल लिया है मैंने, अब वेरीफाई हो रहा है हमारा, ठीक है, ये पेमेंट सक्सेस, ओके। और बैग आते हैं, ये देखो दोस्तों 1 करोड़ चिप्स आ गए। और अभी देखना दोस्तों, ठीक है, 271 थे ना, अभी कितना हो जाएगा, 271 से 261 रुपये और हो गए, ठीक है। इस तरीके से आप 110 रुपये से लगाकर 5,000 रुपये तक यहाँ पर ऐड कर सकते हो। और यदि दोस्तों आप लोगों को, आप जब पोर्ट खेलते हो और कभी पोर्ट ना हो ना, तो यहाँ से चिप्स बाई करके पोर्ट बना सकते हो, किसी को भी आसानी से बकरा बना सकते हो, पेटीएम के द्वारा ऐसे ही करना है, ठीक है। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले। और दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।